हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा विंग ब्लॉग्स। टाइम अपडेट 4:30 PM, वेदर अपडेट 28 डिग्री सेल्सियस। सो बहुत समय बाद अभी मैं आपका जीती चला रहा हूँ, इसका भी एक अलग ही फील है। तो अभी जीती में तेल बहुत कम है, तो तेल भराने के लिए जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे बोले पेट्रोल नहीं है, तो अभी आगे जाके भराना पड़ेगा। तो आज बहुत समय बाद ऐसे इवनिंग राइड कर रहा हूँ दोस्त के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और वेदर भी बहुत बढ़िया होकर रखा है। और बेसिकली हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, आपका यहाँ से लगभग 10 या 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो चलो तो गाइस, अभी आधा घंटा लग गया पेट्रोल भराने के लिए। अभी मैं जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा है, वहाँ पे जो आदमी था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब जो खर्चा आया हुआ है वो गाड़ी वाला को दे रहे और बाइक वाला को पेट्रोल नहीं दे रहा था। तो चलो फिर भी मतलब मरा मरा होते रहता है ये सब चीज़ बोलने के बाद मिला। अभी हम लोग जिधर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप दो साइड से जा सकते हो, एक है आपका हाईवे और दूसरा है आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिबोरविल पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये रहा व्यू। यहाँ पे मेटिका है, पानी है, बोट है, ब्रिज है, करंट का वायर है, सामने व्यू है, पीछे ऋषिकेश बुला रहे हैं, रुको ज़रा सब्र करो। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, ऐसा ही है। और यहाँ पे आपका जो मतलब पराठा वराठा मिलता है दिन का समय आने से, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बस यही है इस जगह पर। तो चलो, तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे क्योंकि एक भी दुकान अभी खुला है नहीं। कैसे रहेगा अभी आपका 4 बजे तक ये खुला रहता है, फिर भी ढूंढते हैं आगे, अगर कहीं मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ा चाय वाय का बंदोबस्त करते हैं। आप अगर इधर आओगे तो इस ब्रिज से सामने जाओगे तो आपको वहाँ पे अच्छा अच्छा मतलब फ़ोटो क्लिक कर सकते हो इंस्टाग्राम के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो को ये समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So till then, bye bye, take care, and I'll see you guys in the next video.